सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मोइजीन और आज हम बात करने वाले हैं होटल ट्रांसिल्वेनिया ट्रांसफॉर्मेनिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली ये मूवी रिलीज हो चुकी है जो कि 14 जनवरी को हमारे सामने आई है। प्राइम पे अवेलेबल है, अमेजॉन प्राइम पे, जो कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। पहले इसका प्लानिंग किया गया था कि भाई ये थिएटर में रिलीज़ होने वाली थी 1 अक्टूबर 2021 को, लेकिन सोनी ने डिसाइड किया कि भाई इस पैंडेमिक में पैसे कमाने का जरिया तो कुछ है नहीं, तो वहाँ पर अमेजॉन प्राइम सामने आया, जिन्होंने ये मूवी $100 में खरीद ली और यहाँ पर 14 जान को रिलीज भी कर दी। इसका पहला पार्ट जो इसके थर्ड पार्ट है एक्चुअल में, वो 2018 को आया था और उसके पहले दो पार्ट दो साल के गैप में हमें देखने को मिल गए थे। एक बहुत ही अमेजिंग फ्रेंचाइजी है जहाँ पर स्टूडियो ने बताया है कि भाई ये लास्ट पार्ट होने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे भी इसके पार्ट्स आएंगे, बहुत अमेजिंग पार्ट्स बनते रहेंगे। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जाते हुए हमें नज़र आता है, लेकिन ये पार्ट से फिर से वो ग्रैप कर लेते हैं कि भाई जो चीज़ें होटल ट्रांसिल्वेनिया में होनी चाहिए, जो नया कमाल धमाल देखने को मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमें इस मूवी में देखने को मिल जाती है। तो चलिए मिलके करते हैं होटल ट्रांसिल्वेनिया ट्रांसफॉर्मेनिया का पूरा मूवी एक्सप्लेन। तो लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत होती है पास्ट से, जहाँ पर पास्ट में हम ड्रैकुला को देखते हैं जो कि अपनी बेटी मैविस के साथ घूम रहा है, टहल रहा है, वहाँ पर होटल का इनॉग्रेशन करते हुए नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये जो मैविस है ये छोटी सी बच्ची हमें नज़र आ जाती है। इसके पहले वाले पार्ट में भी हमने ये चीज़ देखी है। तो फिर से हमें ये बताया गया है कि भाई आज से तकरीबन 125 साल पहले होटल ट्रांसिल्वेनिया का जन्म हुआ था, यानी उसने ड्रैकुला ने होटल बनाया था ताकि उसकी बेटी इस होटल के अंदर सेफ रहे और बाहर उसे कहीं जाना ना पड़े। और इसी के बीच हमें पता चल जाता है कि अभी 125 साल हो चुके हैं इस होटल को, जहाँ पर अभी ये एनिवर्सरी मना रहे हैं। उसके सारे ड्रैकुला के सारे दोस्त लोग आ चुके हैं। वहाँ पर हमें जॉनी भी देखने को मिल जाता है जो कि हमारे मैविस का पति है, अभी उसको एक बेटा भी है जो कि थर्ड पार्ट में आपने देखा भी होगा। तो वहीं से ये कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही है इस होटल के अंदर, जिस पार्टी को एक्चुअल में बहुत खास बनाने का जिम्मा जॉनी अपने जिम्मे पे ले लेता है, जहाँ पर वो बहुत खास उसे बनाना चाहता है, लेकिन ड्रैकुला की अभी भी उससे नहीं बनती, जैसे हमने थर्ड पार्ट में भी देखा था, सेकंड पार्ट में भी देखा था। तो उसने ये जो प्रोग्राम किया है जॉनी ने, ये सारा प्रोग्राम अच्छे से वो ड्रैकुला उसको एंड कर देता है और एक नोट पे छोड़ देता है सारे लोगों को कि वो अनाउंस करेगा कुछ ही टाइम बाद एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। वो क्या हो सकती है, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसे करके वो पार्टी को रुका देता है और बाकी सारे लोग गाने का एंजॉय करते रहते हैं, खाना वाना खा रहे हैं, इधर दारू वारू पार्टी वार्टी मस्त चल रही है, जहाँ पर वो उसकी होने वाली वाइफ को ड्रैकुला बताता है कि मैं अभी रिटायरमेंट ले रहा हूँ, ये पूरा होटल एक्चुअल में मैं सौंप दूंगा मैविस को। इधर मैविस के कान चौंक जाते हैं, वो ये बात सुन लेती है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाती है। इसी एक्साइटेड में ये जॉनी को जाके बता देती है कि भाई ड्रैकुला ने प्लान किया है कि भाई हमें ये पूरा होटल वो सौंपने वाले हैं, जहाँ पर जॉनी से रहा नहीं जाता, वो बौखला जाता है, इधर उधर भागने लगता है और उसी तरह से वो पहुँच जाता है ड्रैकुला के सामने, जहाँ पर ड्रैकुला अभी स्पीच की तैयारी कर रहा है कि भाई स्पीच क्या देगा वो स्टेज पे आने के बाद। तो बैक स्टेज ये देखने को मिल जाता है कि जॉनी उससे मिलने गया, जहाँ पर वो उससे थैंक यू कह रहा है, बट तभी जॉनी उसके रिनोवेशन का प्लान बताता है कि मैं वो बताता है कि होटल को इस तरह से मैं रिनोवेट करूँगा जहाँ पर योगा होगा, एस्केलेटर लगाएंगे, ऐसी सारी चीज़ें वो बता देता है, जहाँ पर ड्रैकुला के कान थोड़े से चौंक जाते हैं कि भाई मेरे ना होते हुए होटल का इस तरह से वो चेंज कर देगा, जहाँ पर ड्रैकुला को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो वो झूठ बोल देता है कि भाई वो होटल उसी को ही दे सकता है जो कि एक्चुअल में इस ड्रैकुला परिवार का हिस्सा हो या फिर वो मॉन्स्टर हो, पर वो ह्यूमन ना हो। ऐसे झूठ बोल के वो डिसअपॉइंट हो जाता है हमारा जॉनी, और फिर ड्रैकुला जो स्पीच देने वाला था उस स्पीच में वो चेंज कर देता है कि भाई मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि होटल को मैं थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग बाथरूम वगैरह बना रहे हैं, बट ये बताता नहीं है कि भाई मैं तुम्हें चाबी दे रहा हूँ मैविस को या फिर जॉनी को, ये बताता नहीं है। यहाँ पर अभी जॉनी डरा सा सहमा सा एकदम उदास हुआ बैठा हुआ है मैविस के पास, जहाँ से दुखी होकर वो चले जाता है नीचे एक जगह पे, जहाँ पे जाने के बाद उसे वैन हेल्सिंग मिलता है जो कि एक्चुअल में ऐसी ही अगड़म तिगड़म चीज़ें करते हुए नज़र आता है। तो वो बताता है कि भाई मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, एक मेरे पास गैजेट है जिस गैजेट की मदद से वो ह्यूमन को मॉन्स्टर बना सकता है और मॉन्स्टर्स को ह्यूमन बना सकता है। तो वो गैजेट उसे मिल जाता है, तो उसने अभी तक टेस्ट नहीं किया था, तो वो उसके चूहे के ऊपर टेस्ट करता है जो कि सक्सेसफुल हो जाता है, चूहा बड़ा बन जाता है, नॉर्मल चूहे से मॉन्स्टर चूहा बन जाता है।
तो वो सीधा का सीधा अपने ऊपर डाल लेता है कौन, अपना जॉनी। तो जॉनी उस गैजेट की मदद से बन जाता है एक ड्रैगन। तहखाने से आवाज आती हुई सुन वहां पर ड्रैकुला पहुंच जाता है, जहां पर आने के बाद उसे ये बात दिखाई देती है कि भाई जॉनी एक्चुअल में मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है, और अगर ये बात मैविस को पता चल गई तो बहुत बड़ा बवंडर हो सकता है, क्योंकि उसने झूठ बोला है ड्रैकुला ने कि भाई जो मॉन्स्टर रहेगा उसी को ही ये चाबी मिल सकती है इस होटल की, तो वो बताना नहीं चाहता अपने डॉटर को। इस वजह से वो वहाँ पे ये जो अपना जॉनी मॉन्स्टर बन चुका है उसको नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसे पीछे भागता है, पर वो उसके हाथ नहीं लगता, और ऐसी ही भागा दौड़ी में वो दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। और जैसे ही नीचे गिरते हैं तो एक लेजर की ब्लास्ट की मदद से वो जो फाउंटन था उसके अंदर वो ब्लास्ट चला गया है, जिस फाउंटन में पानी बह रहा है वो, और इधर अब ये दोनों नीचे गिर चुके हैं। जहाँ पर नीचे गिरने के बाद ये दोस्तों को बताता है ड्रैकुला कि तुम किसी को मत बताना कि मैं एक्चुअल में ह्यूमन हो गया हूँ, और जो जॉनी है वो बन चुका है मॉन्स्टर, ये कतई तुम बताना मत। वहाँ पर ये दोनों फिर से चले जाते हैं वैन हेल्सिंग के पास, जहाँ पर वो पहुँचते हैं और उस गैजेट की मदद से फिर से खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो जो क्रिस्टल था उस गैजेट के ऊपर लगा हुआ वो एक्चुअल में क्रैक हो चुका है। तो वो वैन हेल्सिंग बताता है कि भाई मेरे पास एक GPS है जो उसी गैजेट के अंदर लगाया हुआ है, तो इस क्रिस्टल को ढूंढने के लिए जाओ, तुम्हें जाना पड़ेगा अमेरिका। तो अब ये दोनों निकलना के लिए रेडी हो रहे हैं, जहाँ पर जॉनी कहता है कि मैं मैविस को बता के आता हूँ कि हम लोग जा रहे हैं अमेरिका, लेकिन वहाँ पर ड्रैकुला फिर से झूठ बोलता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि ससुर दामाद जाए इस ट्रिप पर और ये दोनों नॉर्मल बन जाए। ये दोनों अब निकल चुके हैं उस क्रिस्टल को ढूंढने के लिए उस GPS की मदद से, जहाँ पर ये लोग अमेरिका पहुँच चुके हैं। इधर हम देख रहे हैं कि वो जो फाउंटन में एक्चुअल में गिरा था, जो कि फाउंटन फ्लो हो रहा है, वो फाउंटन का पानी इसके दोस्त ड्रैकुला के दोस्त पी लेते हैं, और जैसे ही पीते हैं वैसे वो नाम इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये लोग छुपने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आ चुके हैं मैविस और एरिका, ये दोनों ढूंढ रहे हैं अभी जॉनी को और ड्रैकुला को, लेकिन ये दोनों कहीं पर भी इनको मिल नहीं रहे हैं। तभी ये ना चाहते हुए भी इसके जो दोस्त हैं फ्रैंक, वेन, ग्रिफिन और मरी, ये सामने आ जाते हैं इन दोनों के, और बातों बातों में वो बता देता है कि ड्रैकुला और जॉनी गए हैं क्रिस्टल को ढूंढने के लिए, क्यों, क्योंकि जॉनी बन चुका है वहाँ पर मॉन्स्टर और ड्रैकुला आम ह्यूमन बन चुका है। तभी एरिक के दिमाग में आता है कि भाई नीचे बेसमेंट में कुछ तो लैब वगैरह है, कुछ तो एक आड़ा टेढ़ा सा आदमी है जो कि साइंस प्रोजेक्ट करते रहता है, तो उसने तो नहीं किया है। तो ये दोनों उसके पास जाते हैं, लेकिन उसके पहले हमें वो बेसमेंट की जगह दिखाई जाती है वैन हेल्सिंग की, जहाँ पर उसने वो चूहे को जो मारा था एक्चुअल में मॉन्स्टर में कन्वर्ट किया था, वो एक बहुत बड़ा खूंखार मॉन्स्टर बन चुका है। अब ये दोनों पहुँच चुकी है बेसमेंट में वैन हेल्सिंग से मिलने के लिए। इधर हम देख रहे हैं ड्रैकुला और ये जो अपना जॉनी है ये पहुँच चुके हैं जंगल के अंदर साउथ अमेरिका में, जहाँ पर वो क्रिस्टल ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं। GPS ट्रैक की मदद से वो चलते चले जा रहे हैं, इधर वो चलते चले जा रहे हैं, बहुत बड़ी कमाल धमाल सी मज़ा आते हुए हमें नज़र आ रही है पूरी जर्नी में। जो ड्रैकुला एक्चुअल में ह्यूमन बन चुका है, तो अभी उसको क्या क्या झेलना पड़ रहा है वो एक अमेजिंग वे में हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, जिसमें बहुत ज़्यादा फनी मोमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इधर वैन हेल्सिंग इन दोनों को बता देता है कि एक्चुअल में ये लोग जा चुके हैं उस क्रिस्टल को ढूंढने के लिए, जिसके वजह से फिर ये ड्रैकुला ड्रैकुला बन जाए और जॉनी जॉनी बन जाए, मॉन्स्टर ना रहे। और वो ये भी बता देता है कि भाई इसका एक साइड इफेक्ट है, जो कि होता है थोड़े टाइम के बाद वो जो मॉन्स्टर है वो पूरे तरह से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ह्यूमन है वो ह्यूमन ही रहेगा। तो अब ये सुनने के बाद मैविस, एरिका और बाकी सारे ये जो दोस्त हैं उनके, ये निकल चुके हैं ड्रैकुला और जॉनी को ढूंढने के लिए, जहाँ रात का वक्त हो चुका है और ये लोग मार्शमेलो खाते हुए नजर आ रहे हैं जॉनी और ड्रैकुला बॉनफायर करके। जहाँ पर जॉनी एक बहुत बड़ी बात बता देता है कि भाई ड्रैकुला तुम जो हो, यानी पिताजी तुम जो हो, जो वो हमेशा तुम ऊपर से ही देखते हो, अंदर का मन किसी का नहीं देखते और ऊपर से ही तुम लोग डिसीजन ले लेते हो, जैसे कि मार्शमेलो जल गया था, तो वो ये बताता है कि भाई मार्शमेलो ऊपर से तो ऐसा दिख रहा है लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी लगता है, तो तुम्हें अंदर की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए ना कि बाहर की बुराइयाँ। तो ये ड्रैकुला को वो समझाता है, जहाँ पर ड्रैकुला को ये बात पसंद आ जाती है। फिर ड्रैकुला सच बोल देता है कि भाई मैंने तुमसे झूठ कहा था कि इसके लिए मॉन्स्टर बनना वरना कुछ ज़रूरी नहीं है, ये नॉर्मल सी चाबी है, नॉर्मल सी होटल तुम्हें मिल जाती थी, लेकिन मैं झूठ बोला क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें तुमने बोली मुझे कि भाई इस तरह से रिनोवेट करूँगा, इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें चेंज कर दी। इतना सुनने के बाद वहाँ पर जॉनी बहुत ज़्यादा भड़क जाता है, और तभी उनके सामने ये जो पूरी मंडली है ये पहुँच जाती है,
यानी मैविक, एरिका और उसके जो दोस्त है फ्रैंक वेन, ये लोग पहुंच जाते हैं इन लोगों के सामने, जहां पर बातचीत करते समय इधर अपना जॉनी भड़क जाता है और वहां से निकल जाता है, जो कि अभी धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है मॉन्स्टर के फॉर्म में। इधर मैविस जाती है जॉनी को समझाने और उसे रोकने के लिए, और इधर ड्रैकुला और बाकी के गैंग मेंबर जाते हैं उस क्रिस्टल को ढूंढने के लिए। अब इन लोगों को वो गुफा मिल चुकी है जाते जाते ही, और गुफा के अंदर ये लोग जा रहे हैं उस क्रिस्टल को ढूंढ रहे हैं। इधर हम देख रहे हैं कि जॉनी बहुत बड़ा भड़का हुआ है, बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है, जो कि आग उगल रहा है, इधर उधर की तोड़फोड़ कर रहा है, जिसको रोकने का काम मैविस करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। इधर इन लोगों को क्रिस्टल की जगह मिल चुकी है, तो ये बात मैविस को पता चल जाती है कि भाई क्रिस्टल मिल गया है, तुम वहाँ पे जॉनी को लेके आ जाओ ताकि उसको ठीक किया जा सके। तो मैविस उसे लेके जाती है, किसे, जॉनी को, उसके साथ लड़ती है, झगड़ती है थोड़ा सा, ताकि वो जॉनी उसके पीछे भाग सके, तो उसके पीछे वो भागता है। और इधर मैविस वो जगह पर भाग रही है जिस जगह का लोकेशन इसके पास है। भागते भागते ये पहुंच जाती है एक जगह के अंदर, जहाँ पर पहुंचने के बाद ये क्रिस्टल वाली ही जगह है जहाँ पर ये लोग क्रिस्टल तो ढूंढ रहे हैं, उन्हें नहीं मिल रहा है, ये सारे लोग भटक चुके हैं उस जगह के अंदर। और इधर बाहर खड़ा है जॉनी, जो कि जॉनी उस जगह की दीवार तोड़ रहा है, बहुत बड़े बड़े पंचेस मार रहा है ताकि वो मैविस को चोट पहुंचा सके। इधर अंदर सब तहस महस हो रहा है, बिखरा पड़ा है, इधर उधर की चीज़ें टूट रही है, इन लोगों के ऊपर गिर रही है, ये लोग इधर उधर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के बीच ड्रैकुला को वो क्रिस्टल मिल जाता है, जिस क्रिस्टल को वो लगा तो लेता है लेकिन वो फायर नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि वो होल्स गिर रहे हैं वहाँ पर, और होल्स में से आ रही है सनरेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अभी सुबह हो चुकी है, और जिस सनरेज की वजह से वहाँ पर मैविस भी जल रही है, ड्रैकुला भी जलते हुए नज़र आ रहा है। तो अब इन लोगों के जो दोस्त है वो एक्चुअल में मदद करते हैं मैविस की, एक एक करके सामने खड़े हो जाते हैं ताकि डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर ना पड़े और वो इजी वे में अपने को डिफीट कर सके, किसको, हमारे जॉनी को। जहाँ पर ड्रैकुला पहुँच जाता है और जॉनी से बातचीत कर रहा है ताकि वो थोड़ा बहुत शांत हो सके, क्योंकि पूरा का पूरा ही टर्न आउट हो चुका है वो मॉन्स्टर में। तो वो उसे बताता है कि तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुमसे ये सीखा है कि भाई बाहर से आदमी कैसा ही रहे लेकिन अंदर से वो तुम ही हो। वो पूरी मार्शमेलो वाली कहानी ड्रैकुला उसे फिर से बयां करता है, जहाँ पर इन लोगों को, दोस्तों को लगता है ये क्या पका रहा है, सीधा मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहा है। तो लास्ट में वो मुद्दे पर आता है कि हाँ, मैंने तुम्हें एज अपना बेटा मान लिया है और मैं तुम्हें ही होटल की चाबी देने वाला हूँ, जहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेता है ड्रैकुला ये सारी बातें। और इसके बाद जो हमारा जॉनी है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, तभी मैविस ब्लास्ट कर देती है उस गन की मदद से, उस गैजेट की मदद से, जहाँ पर अभी जॉनी नॉर्मल हो जाता है, जहाँ पर ड्रैकुला भी अभी नॉर्मल हो चुका है और ये बचे हुए सारे लोग भी नॉर्मल हो चुके हैं। अब ये निकल चुके हैं वापस अपने घर की तरफ। जहाँ पर ये आते तो है, वहाँ पर वो देखते हैं कि होटल पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो कि डिस्ट्रॉय किया है उसी छोटे से नन्हे से चूहे ने, जो कि बहुत बड़ा हो चुका था। फाइनली उसको अभी नॉर्मल चूहा यानी गिगी बना दिया गया है, उसका नाम गिगी होता है, उसको नॉर्मल बना दिया है। और फिर ड्रैकुला बोलता है कि भाई अभी तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें ये चाबी सौंप रहा हूँ, इस होटल को तुम्हारे तरफ सौंप रहा हूँ, तुम्हें जैसा चाहे वैसा बनाओ, तुम्हें जैसा लगता है वैसा बनाओ। जहाँ पर मैविस और जॉनी कहते हैं कि नहीं, तुम्हें जैसा चाहिए वैसा बनाएंगे हम, ड्रैकुला को जैसा चाहिए वैसा। और फाइनली एक साल के बाद वो लोग फिर से वैसा ही होटल खड़ा कर देते हैं, अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होते हुए हमें नज़र आ जाते हैं। और इसी नोट पे दोस्तों इस पूरा मूवी का हो जाता है एंड। ये मूवी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना दोस्तों, बहुत अमेजिंग मूवी है, आउट ऑफ 10 अगर रैंक करना चाहे तो 8.5 मेरे तरफ से। एक अमेजिंग जर्नी हमें समझ में आ जाती है और थोड़ी बहुत बीच में इमोशनल टच वाली इस फीलिंग भी हमें आ जाती है और कुछ ना कुछ सीखने तो मिल ही जाता है। आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना दोस्तों, लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना मूवीजिंग चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीजिंग।